हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके पास एक संस्कृत का नया विषय लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 9th के संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है संहति कार्य साधिका। संहति यानी यूनिटी, एक साथ मिलकर, कार्य साधिका एक साथ मिलकर जो भी काम अगर हम करें तो वो पूरा हो सकता है। यानी यूनिटी एकम्प्लिसिस द टास्क, यूनिटी से कोई भी टास्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो आपका चैप्टर है ये लिया गया है हितोपदेश में से। सो हितोपदेश इज वेरी फेमस कलेक्शन ऑफ स्टोन्स इन संस्कृत। द राइटर इज पंडित नारायण। इट इज बिलीव्ड दैट दिस वर्क वॉज कंपोज्ड इन द 9th सेंचुरी AD। इन दिस वर्क देर आर मैनी फेबल्स विच हैव अ मोरल। वन ऑफ दो स्टोरीज इज प्रेजेंटेड हियर। जिसमें कुछ उपदेश दिया गया हो, कुछ मोरल हो, ऐसी स्टोरीज हितोपदेश में दी गई है। उनमें से एक स्टोरी जो है वो यहाँ पे हमें दी गई है। आप सब लोगों ने कई सारी स्टोरीज अपने दादा दादी नाना नानी से सुनी होगी, स्कूल में भी कई बार टीचर्स ने कई की होगी। तो एक बहुत ही जानी पहचानी पिजन और माइस, उसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है। सबको स्टोरी सुनने में और समझने में मज़ा आएगा। चलो तो हम शुरू करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरुह। अस्ति है गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे, विशाल बहुत ही बड़ा, शाल्मली तरु यानी सिल्क कॉटन ट्री। तो गोदावरी नदी के किनारे एक शाल्मली का वृक्ष है। देर वॉज अ लार्ज सिल्क कॉटन ट्री ऑन द बैंक ऑन द रिवर गोदावरी। वह विविधेभ्यः देशेभ्यः, अलग अलग देशों में से समागताः, आए हुए, बहवः विहगाः, बहवः यानी बहुत सारे, विहग यानी बर्ड्स पक्षी, तत्र रात्रौ निवसन्ति, वहाँ पे रात को ठहरते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं उस ट्री पे। मैनी बर्ड्स हुए कम from various countries used to stay there at night. Teshu, उनमें से लघु पतनक नामा वायस, वायस यानी क्रो कौवा, उनमें से एक कौवा था जिसका नाम था लघु पतनक। अपि एकतम अस्ति, एक कौवा लघु पतनक नाम का, वो भी इस पेड़ पे ठहरा हुआ था एक दिन। Among them was also a crow by the name लघुपतनक। अथ कदाचित प्रभात काले, अब किसी एक दिन सुबह के समय में, सह वायसह उस कौवे ने कृतांतम द्वितीयम इव अटंतम व्याधम अपश्यत। कृतांतम द्वितीयम, द्वितीयम यानी दूसरा, कृतांत यानी यमराज, हाँ दूसरा यमराज हो, यमराज का जैसे दूसरा रूप हो, वैसे अटंतम घूमते हुए व्याध, व्याध यानी हंटर शिकारी को एक बार अपश्यत देखा। तो उसको कैसा लगा वो शिकारी हंटर, यमराज जैसा, हाँ अ गॉड ऑफ डेथ जैसा। तो नाउ वंस क्रो सो अ हंटर लाइक द सेकंड गॉड ऑफ डेथ मूविंग अबाउट इन द मॉर्निंग, जो कि सुबह सुबह घूम रहा था। तम अवलोक्य सो अचिंत्य, तम अवलोक्य उसे देखकर सह यानी कौवा सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संजातम। अद्य टुडे, प्रातः एव, प्रातरेव सुबह सुबह ही, मॉर्निंग में ही, अनिष्ट दर्शनम किसी बुरे का दर्शन यानी अच्छा चेहरा नहीं देखा,
संध्यातम, हम बोलते हैं ना आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया, पूरा दिन खराब गया। तो वैसे कौवा भी कहता है कि आज सुबह सुबह मैंने कुछ बुरा देख लिया। न जाने तत् किम अनभिप्रेतम दर्शयिष्यति, न जाने अब मुझे आगे क्या क्या देखने मिलेगा। इति विचिन्त्यस्य वाकुलः, यह सोचकर वह बहुत व्याकुल हो गया और बहुत दुखी हो गया। तो क्या सोचता है वो कि टुडे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ द साइट ऑफ अ बैड थिंग टुक प्लेस, आई डोंट नो व्हाट अनडिजायरेबल थिंग इट विल शो। अब क्या पता नहीं आगे कौन सी बुरी चीजें देखने मिलेगी। अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य झालम, अथ अब तेन व्याधेन उस व्याध के द्वारा, यानी उस शिकारी ने तंडुल, तंडुल यानी राइस, कण यानी ग्रीन, राइस ग्रीन विकीर्य बिछा कर झालम विस्तीर्णम, ऊपर जाल बिछा दी, जाल बिछाई और उसमें राइस ग्रेन डाल दिए। नाउ आफ्टर हैविंग स्कैटर्ड द राइस ग्रेन्स अ नेट वॉज स्प्रेड बाय द हंटर, सच वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत। स यानी वो हंटर वृक्षस्य पृष्ठभागे, वृक्ष के पीछे की तरफ प्रच्छन्न, प्रच्छन्न यानी छुपना, हिडन, छुप कर अतिष्ठत खड़ा रहा। ही स्टूड हिडन बिहाइंड अ ट्री। तस्मिन्नेव काले, उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोत राजः, कपोत, कपोत यानी पीजन, पीजन का राजा, कबूतर का राजा था जिसका नाम था चित्रग्रीव। तो उसी समय चित्रग्रीव नाम का एक पीजन का किंग था, राजा था, परिवारेण सह गगने व्यस्परत, परिवारेण सह विद हिज फैमिली, परिवार यानी फैमिली, सह यानी विद गगने, आकाश में उड़ रहा था। तो राइट एट दैट टाइम द किंग ऑफ पीजन्स नेम्ड चित्रग्रीवा वॉज फ्लाइंग इन द स्काई विथ हिज रिलेटिव्स और विथ हिज फैमिली। भूमौ विकिरणान तंडुल कणान दृष्ट्वा, जमीन पे बिछाए हुए राइस ग्रीन को देखकर कपोताह लुब्धाह अभवन, लुब्ध यानी ग्रीडी, जो सारे पीजन्स से उनको लालच लगी कि चलो कुछ यहाँ खाना पड़ा है तो हम खा ले। अभी हैविंग सीन द राइस ग्रीन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड द पीजन्स वेर ग्रीडी, ततः स कपोत राजः तंडुल कण लुब्धान कपोतान अकथत। ततः उसके बाद स कपोत राज, वो पीजन के राजा ने तंडुल कण लुब्धान कपोतान, यानी कि जो ग्रीडी हो गए थे ऐसे अपने दूसरे पीजनों को, पीजन्स को कहा, क्या कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव, समझाए कुतो, कहाँ से, अत्र निर्जने वने, इस निर्जन वन में, ये वन कैसा है, जंगल कैसा है, फॉरेस्ट एकदम सूना सूना है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी जगह पे राइस ग्रेन कहाँ से आएंगे, कोई आदमी भी नहीं दिखाई देता, कोई लोग भी नहीं दिखाई देते, तो ऐसी जगह पे तंडुल कण कहाँ से आएंगे, संभव ही नहीं है। देन द किंग ऑफ पीजन्स सेड टू द पीजन्स हु वर ग्रीडी ऑफ द राइस ग्रेन्स, हाउ कुड देयर बी द पॉसिबिलिटी ऑफ राइस ग्रेन इन दिस अनइनहैबिटेटेड फॉरेस्ट, सूने सूने फॉरेस्ट में। तत् अनरूप्यताम तावत् तन्निरूप्यताम तावत्, हाँ भद्रमिदम न पश्यामि, हाँ ये उचित नहीं है, मैं कुछ भद्र यानी कुछ मुझे अच्छी साइन नहीं दिख रही है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। सो हाँ तन्निरूप्यताम तावत्, निरूप्यताम यानी पहले इसके बारे में तुम सोचो पहले, सो थिंक फर्स्ट, आई डो नॉट सी एनी गुड कमिंग आउट ऑफ दिस, मुझे इसमें कुछ सही नहीं दिखाई देता है, कुछ तो गलत है,
क्योंकि वो तो राजा था, तो राजा को तो तभी राजा बना है कि वो दूर का सोच सकता है, दूर का देख सकता है कि नहीं ऐसे जंगल में, घने जंगल में कैसे कोई राइस ग्रेन डालने आ सकता है। अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माकं महत अनिष्टमपि भवितुमर। अनेन तंडुलकण लोभेन, इस राइस ग्रेन के लोभ में आने से हमें महत अनिष्टम, बहुत हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। आई डू नॉट एनी गुड कमिंग आउट ऑफ दिस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्रीड ऑफ राइस ग्रेन्स, इवन सम ग्रेट मिसफॉर्च्यून मे बिफॉल अस, कुछ आ सकता है। अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। अतः सर्वथा अवि, बिना सोचे समझे, अविचारितम बिना सोचे समझे, कर्म न कर्तव्यम, कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये उन्हें समझाता है। सो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस अ थॉटलेस एक्शन शुड बी डन। कभी भी बिना सोचे समझे हमें कहीं भी कोई कहे कुछ भी, तो कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, ये उसे समझाता है। और उस एक एग्जाम्पल भी देता है। क्या देता है एग्जाम्पल? यतः, यतः यानी वो कहता है कि बिकॉज, क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा। तो सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः सुशासितः श्रीः नृपति ही सुसेवितः सुचिंत्य चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम सुदीर्घ कालेपि न याति विक्रयः। क्या कहता है? अच्छी तरह से भोजन है वो पच जाना चाहिए, अच्छी तरह से जो डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खाना। सुविचक्षण सुतः, सुतः यानी सन, पुत्र, बेटा। सुविचक्षण अच्छा, बहुत ही होशियार, क्लेवर। सुशासिताः श्रीः नृपतिः सुसेवितः, यानी अच्छी तरह से संभाली हुई श्री लक्ष्मी। पैसे को भी हमें एकदम मेहनत से खर्च करना चाहिए और हमें बहुत ही प्रॉपर वे में उसको संभालना चाहिए। और नृपति ही सुसेवितम, और अच्छी तरह से सेवा किया गया, जिसकी सेवा कर सकते हैं ऐसा राजा। सुचिंत्य च उक्तम सुविचार्य यत्कृतः। सुचिंत्य, चिंत्य यानी विचार के, अच्छी तरह से सोच विचार कर उक्तम बोलना चाहिए। सुविचार्य यत्कृतम, अच्छी तरह से विचार करके भी अगर जो काम किया जाता है वह सुदीर्घ कालेपि नयाति विक्रयः। सुदीर्घ काले, वो बहुत लंबे समय तक टिकता है, कभी उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है। ऐसे एग्जाम्पल देता है कि जो भी करना है हमें सोच समझ के करना है, यानी वेल डाइजेस्टेड फूड। सुजीर्णम अन्नम, वेल डाइजेस्टेड फूड। सुविचक्षण, विचक्षण यानी क्लेवर, वेरी क्लेवर सन। सुशासिता श्री, श्री यानी वेल्थ, पैसा, मनी, कैसे होना चाहिए? वेल मैनेज्ड। नहीं तो क्या होता है, जब भी कोई मुश्किल आती है, बुरा वक्त आता है, अगर पैसा, पैसों का हमने मैनेजमेंट नहीं किया है तो हमें बहुत पछताना पड़ता है। यानी वेल मैनेज्ड वेल्थ। नृपति ही सुसेवितः, किंग, नृपति यानी किंग, हु इज वेल सर्व्ड। सुचिंत्य च उक्तम, समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली। सुविचार्य यत्कृतम, यत यानी जो लोग, वॉट एवर इज डन आफ्टर गिविंग इट अ गुड थॉट डू नॉट गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो लंबे समय तक टिकता है, कहीं भी जाता नहीं है, ऐसे उसे समझाता है। लेकिन जो ग्रीडी पीजन्स थे वो समझते नहीं है। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् अवदत। एतद् वचनं श्रुत्वा,
यानी इनकी बातें सुनकर कश्चित कपोतः किसी एक पीजन ने सदर्प एकदम अभिमान से ईगो से कहा, आह किमेव उच्यते, अरे क्या बोल रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो आप, क्यों कह रहे हो आप। क्या कहते हैं कि इंडीड वे हियरिंग दिस सर्टेन पीजन सेड प्राउडली, व्हाई इज इट सीड लाइक दिस, क्यों ऐसे बोल रहे हो। फिर वो भी एक श्लोक बोलता है कि वृद्धानां वचनं ग्राह्यं आपत्काले उपस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजनेप्य प्रवर्तनम्। क्या कहते हैं कि वृद्धानम, जो बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हैं, उनकी बातें कब, जब समय आता है ग्राह्यम, हमें सुननी चाहिए, लेकिन कब सुननी चाहिए, आपत्काली उपस्थिते, आपत्काल यानी कोई डिफिकल्टी आती है, कोई मुश्किली का समय है, कुछ भी डिफिकल्टीज अगर हम पे आ गई, युद्ध छिड़ गया, हाँ कुछ बुरा हुआ, तब हमें उन वृद्धों की बातों को सुनना चाहिए। बट सर्वत्रैव विचारेण, अब सब तरह से अगर हम विचार कर ले तो भोजनेप्य प्रवर्तनम, जो आपने, हम लोग सब कुछ सोचते हैं, अगर सब कुछ बूढ़ों की बातों का सुनने लगे तो भोजने अपि प्रवर्तनम, तो हमें तो खाना भी नसीब नहीं होगा, खाना भी हमें नहीं मिल सकता है। सो इंडीड व्हेन द टाइम ऑफ कैलामिटी कम्स द एडवाइस ऑफ ओल्ड पीपल शुड बी एक्सेप्टेड, तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कब, जब कैलामिटी आती है तब। एक पिजन बहुत प्राउडली मीन्स ग्रीडी था, वो भी उसको बहुत ईगो था, इसलिए वो बोल रहा था, बाय थिंकिंग दस एवरी टाइम इवन ईटिंग फूड विल बी इम्पॉसिबल, पूरा समय हम ये बूढ़ों की बातें सुनते रहे तो खाना भी नसीब नहीं होगा। और उक्तम च, और कहा गया है कि शंका भी सर्वाम सर्वमाक्रांतम मन्नम पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्य जीवितव्यम कथम नुवा। शंका भी सर्वम आक्रंतम अन्नम पानम च दुर्लभम, शंका भी सर्वम आक्रंतम, ये दुनिया में जो चीज है, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी कैसी है, जिस पे डाउटफुल है, सब पे डाउट किया जाता है। अगर हम सब पे डाउट करने लगे तो अन्नम पानम च दुर्लभम, अन्नम पानम यानी खान पान, जो खाना है, कुछ भी पीना है, तो कुछ भी हमें नहीं मिल सकता अगर हम सब डाउट करने लगे सारी चीजों पे, तो क्योंकि इस संसार में तो सब कुछ डाउट फुल ही है। प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्य जीवितव्यम कथम नुआ, तो ऐसा ही अगर सोचेंगे तो प्रवृत्ति यानी कोई काम भी हम कैसे कर सकेंगे, और जीवितव्य कथम, और जी भी कैसे सकेंगे ऐसा ही पूरा दिन, अरे नहीं ये तो नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ऐसे तो हम जी भी नहीं सकते, कुछ काम भी नहीं कर सकते। एंड इट इज सेड एवरीथिंग इज पावर्डेड बाय डाउट्स, फूड एंड वाटर आर डिफिकल्ट टू गेट, वेयर शुड एक्टिविटी बी प्रोसीडेड, हाउ इंडीड शुड लाइफ बी लिव्ड, कैसे जी सकते हैं ऐसे तो जिंदगी हम लोग। तस्य तद वचनम श्रुत्वा, उसकी ये सारी बातें सुनकर सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन, सारे जो पीजन्स थे वो उस जाल पे जाके बैठ गए, वहीं पे बैठ गए। हैविंग हर्ड दैट स्पीच ऑफ हिज ऑल द पीजन्स सैट डाउन ऑन द नेट, अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन, और सब लोग उस जाल में फंस गए, पकड़े गए, ट्रैप्ड। Then all of them were trapped by the net. अथः जालबद्धः ते यस्य वचनेन तत्र समपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म। अथ जालबद्धः ते, अब जो भी लोग नेट में फंस गए थे ना,
वो सारे किसको गाली देने लगे, बुरा बोलने लगे, यस्य वचने न तत्र समपतन, जिसकी बात सुनकर नेट में फंस गए थे, तस्य कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ती, उस पीजन का सब लोग तिरस्कार करने लगे, उसको कितनी सारी बातें सुनाने लगे। नाउ बीइंग बॉर्न बाय द नेट दे क्रिटिसाइज द पीजन बाय लिसनिंग टू हुज एडवाइस दे गॉट देयर, उसको बहुत सारी बातें सुनाने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत, अब उनकी एक दूसरे पे ब्लेम करने लगे, तो उनकी ये बातें सुन, चित्रग्रीव नहीं गया था, जाल में फंसा था, उसने तो मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। तब ये जो झगड़ रहे थे तो उसकी बातें सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, क्या किया, विपत काले विस्मय एव का पुरुषः लक्षणं, विपत काले यानी जब कलामिटी आती है, मुश्किल का समय आता है, तब पीछे हटना या एक दूसरे को बातें सुनाना या डर जाना, ये का पुरुष, का पुरुष यानी जो निडर नहीं है, डरपोक है, उनके लक्षण है। तो चित्रग्रीवासी टू बी सरप्राइज इन डिफिकल्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कावर्डली पर्सन, कावर्डली यानी डरे हुए। तदत्र धैर्यम अवलंब, अब हमें यहाँ पे थोड़ा पेशन, धीरज रखनी चाहिए। इदानीम एव क्रियता, हाँ अब धीरज रख के कुछ सोचना चाहिए। सर्वै एक चित्ती भूय जालाम आदाय उड्डीयता, अब साथ मिलकर हमें काम करना है। क्या करना है, चित्रग्रीव ने आइडिया दिया कि सर्वैः, सब लोग एक चित्ती भूय, एक साथ मिलकर, यूनिटी में रहकर, जालाम आदाय, जाल को पकड़ के हम सब उड़ जाते हैं। हमने सुना है ना ये स्टोरी, तो सबने सुनी होगी। तो क्या कहते हैं चित्रग्रीव, क्या कहता है कि सो होल्डिंग ऑन टू करेज Now let this be done, being of one mind, यानी unitedly fly away taking the net, net को लेके उड़ जाओ, क्योंकि यतः because अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका। अभी ये कहता है कि अल्पानाम, अल्पानाम यानी छोटी छोटी बातों में भी अगर संहति, हम यूनिटी बनाए रखेंगे, तो कार्य साधिका यानी हम कोई भी इम्पोसिबल टास्क हो उसको अचीव कर सकते हैं। तृणै गुणत्वम आपन्नै बध्यते मतदन्तिनः, तृणै, तृणै यानी छोटी छोटी रस्सी, डोरी, जो छोटे छोटे धागे होते हैं, अगर उन सारे धागों को साथ मिलाकर एक बड़ी सी मजबूत रस्सी बना दे, तो उस रस्सी से बध्यन्ते मत दंतिना, दंतिना यानी हाथी, हाँ मत, मत यानी पागल हाथी को भी वो रस्सी बांध सकती है। एक छोटा सा धागे का टुकड़ा हाथी को नहीं बांध सकता है, लेकिन अगर उस छोटे से धागे के टुकड़े में से बड़ी सी रस्सी बना दे सबको साथ मिला के, तो कैसे भी पागल हाथी को भी हम पकड़ सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। उसी तरह से आप लोगों को भी अब यूनिटी में रहना होगा, काम करना होगा। तो क्या कहते हैं कि द यूनिटी ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स accomplishes द टास्क, द huge एलिफेंट इन अ रूट कैन बी टाइड विद द रोप मेड आउट ऑफ ब्लेड्स ऑफ ग्रास, उसमें से बनाए हुए से हम उसको भी पकड़ सकते हैं। इति विचन्त सर्वे कपोताः जालामादाय उत्पतिता, तो ये सोचकर सारे पीजन्स जाल को लेकर उड़ने लगे। Thus thinking all the pigeons flew away taking the net, ततः स व्याधः, व्याध यानी हंटर, अब उस शिकारी तान जालापहारकान अवलोक्य पश्चात धावति, जालापहारकान यानी जाल को लेकर उड़ रहे थे वो देखकर पश्चात उसके पीछे पीछे धावती यानी दौड़ने
लगा. देन द हंटर रन आफ्टर देम सीइंग देम कैरी अवे द नेट. परंतु तान सुदूरम सुदूरम गतान दृष्ट्वा, परंतु वो उसने हंटर ने पिजन को बहुत दूर जाते हुए देखा. तब व्याधः प्रतिनिवृत्तः, यानी वापस अपने घर चला गया. बट सीइंग देम गोन फार अवे द हंटर वेंट बैक लुब्धकम निवृतम दृष्ट्वा, सॉरी लुब्धकम निवृतम दृष्ट्वा चित्रग्रीव अवदत. तब उसको वापिस जाते हुए देखकर चित्रग्रीव ने कहा, हैविंग सीन द हंटर गोन बैक चित्रग्रीवासी, क्या कहा चित्रग्रीव ने, हिरण्य नामकस्य मम मित्रस्य मूसकराजस्य समीपे वयम गच्छामः. वयम वी आर, गच्छामः जाते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, हिरण्यक नाम का एक मेरा मित्र है जो मूषक माइस चूहों का राजा है, उसके पास अब हम जाएंगे. वी विल गो टू माय फ्रेंड हिरण्यका द किंग ऑफ माइस. स अस्मान बंधनात मुक्तान करिष्यति. स वो अस्मान बंधनात, इस बंधन से, इस ट्रैप जो हम ट्रैप्ड हुए हैं, पकड़े गए हैं, उसमें से हमें मुक्त करेगा. ही विल फ्री अस फ्रॉम द बॉन्डेज. ततः ते मूसक राजस्य समीपम समगच्छन्. अब वो सब लोग मूसक राज के पास गए और चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूसक राजेन, और चित्रग्रीव का जो मित्र था मूसक राज किंग ऑफ माइस, उसने स्वकीय तीक्ष्ण दंत अपने तीक्ष्ण साप, बहुत सार्प जो दांत थे, उससे सर्वेशाम बंधनानी छिन्नानी, सारे जो उनका जो थे वो जाली जो थी, नेट जो थी, वो काट डाली. अब देन दे वेंट टू द किंग ऑफ माइस. द टीज ऑफ ऑल वेर कट बाय चित्रग्रीवास फ्रेंड द किंग ऑफ माइस विथ हिज शार्प टीथ, अपने शार्प टीथ से सब कुछ उसने काट दिया. चित्रग्रीवोपि हिरण्यकस्य आभारम मत्वा, चित्रग्रीव ने भी हिरण्यक का आभार व्यक्त किया, उसे थैंक यू कहा. और सपरिवार यथेष्ट देशान समगच्छत, और अपनी फैमिली के साथ जहाँ जाना चाहता था दूसरे देश में, वहाँ वो चला गया. चित्रग्रीवा ऑल्सो वेंट टू द डिजायर्ड प्लेस आफ्टर हैविंग गिवन थैंक्स टू हिरण्यका. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आई होगी कहानी. तो आज से ही हम पढ़ना शुरू कर देंगे. ओके, बाय एवरीवन.